तो आज हम उनको बुलाने वाले हैं और उम्मीद करते हैं हमारे साथ एक और गेस्ट अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, मन सिमरन बॉम्बे से, और वो भी सौम्या से कुछ बातें करेंगी और मैं उनसे भी बातें करूंगा। तो वो जैसे ही आएंगे उनको हम स्टूडियो में बुलाएंगे और प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। पर चलिए अभी हम सौम्या को बुलाते हैं स्क्रीन पे। आइए सौम्या जी। हेलो, नमस्ते सभी नमस्कार भक्तों। सौम्या, मेरा कैसी जितने है भी आज? दर्शक, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए। अभी ठीक हूँ, मुझे वैक्सीन लगी आज तो ठीक ठाक ही अरे हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, आपने वैक्सीन लगवाई है। दूसरी और जितने भी दर्शक हैं उन सभी को बात, मेरा बहुत बहुत नमस्ते। आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप जो भी मैं बोलूं और जो भी मैं गाऊं आप सभी को अच्छा लगे। ये तो पक्की बात है, जो भी गाओगी बहुत अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैंने तो खूब सुना हुआ है वो प्रोग्राम, मैं सुना जी करता था दिल है हिंदुस्तानी, और उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें तुम सुनाया करती थी, और बड़े बड़े जो हैं हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज लोग वो आते थे, और उन्होंने बहुत तारीफ जी की थी। और मुझे याद है कि आशा भोसले जी भी आई थी और उन्होंने वहीं बैठ के हमारी दो चोटियां भी बनाई थी। मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली वो स्टोरी है क्या। तो सबसे पहले जब आशा मैम आई, तो सबसे पहले तो वो मेरी भगवान है, आशा जी, लता जी, उनको मैं अपना आइडल मानती हूँ। और सिंगिंग की दुनिया में मैंने उनसे बढ़कर शायद ही किसी को माना है। सरस्वती जी का रूप ही वो दोनों है। और जब मैंने उनको देखा तो सबसे पहले जो चीज मेरे मुंह से निकली थी वो थी, मुझे आज मेरे भगवान मिल गए। वाह, और जब वो आए तो सबसे पहले तो मेरे जस्ट सामने खड़े हुए थे वो। और वो मैं उनको देखी जा रही थी, मैं उनको देखी जा रही थी, वो कुछ तो माइक टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे, मैं उनको देख रही थी। और उनको देखकर पता नहीं क्यों एकदम से मेरी आंखों में आंसू आ गए। और ये चीज किसी को नोटिस नहीं हुई, ये चीज कोई नोटिस नहीं कर पाया। बट जो हमारे जजेस थे, प्रीतम दा, सुनिधि मैम और बादशाह सर, तो उनमें से प्रीतम दा ने वो चीज नोटिस की कि मेरी आंखों में आंसू है। और मैं उनसे थोड़ा सा दूर आ गई थी, इसलिए कि मुझे लगा कि मुझे नहीं लगता मैं इनके साथ खड़ी भी हो पाऊंगी। हाँ, उसके बाद फिर पहला ऐसा गाना था जिसमें मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस था कि मैं कहीं ना कहीं उनके सामने गा भी पाऊंगी कि नहीं। और उनके सामने जैसे तैसे मैंने गाया। और उससे पहले, जब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आशा ताई जब सबसे पहले आए थे, उन्होंने मुझसे बोला, ए बच्चे इधर आ। अच्छा, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनसे बोला कि जी ताई आप बोलिए। और मैं तो अरे बहुत खुश हो गई कि उन्होंने मुझे बुलाया है। और उन्होंने बोला कि बेटा तू ही है ना जिसने आओ हुजूर गाया है। मैंने बोला जी, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और उन्होंने बोला कि जब तुम गा रही थी तब मैंने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी कि तुम आगे का ऊपर वाला पोर्शन गा पाओगी कि नहीं, पर वाह, तुमने उससे बहुत अच्छे तरीके से निभाया और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सुनकर इतना ज्यादा अच्छा लगा, इतना ज्यादा अच्छा लगा। इससे अच्छा, मतलब मेरे भगवान मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उससे अच्छा मेरे लिए लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये चीज सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, मेरी एनर्जी फिर से बूस्ट हो गई और मुझे लगा कि अब तो मैं अच्छे से गा सकती हूँ। उनके सामने जब मैंने गाना गाया, सबसे अरे पहले उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि तुम में लता जी की झलक दिखती है, लता दीदी क्या की बात झलक है। दिखती है। मैं भी ये सोच के बहुत ज्यादा सोचने लगी खुद के अंदर अंदर कि मुझ में और लता जी की झलक, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब उन्होंने ये चीज बोली मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। और इसीलिए उन्होंने मेरी दो चोटी बनाई और उन्होंने उनके जैसी ही पहचान मुझे दी, दो चोटी अच्छा बनाकर। और बहुत ही ज्यादा अच्छा अच्छा लगा मुझे। इससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में आज तक कुछ ना हुआ है, और मेरे हिसाब से इससे बड़ा कुछ हो भी नहीं सकता है मेरे लिए, तो क्योंकि मेरे भगवान थे वो और अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे।
क्या बात है। उन्होंने चोटी की मेरी, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे थोड़ी सी तालीम भी दी, क्या सही है क्या गलत है, और काफी कुछ सिखाया, और जो मेरी अभी तक लाइफ के बहुत ही बेस्ट मोमेंट्स है। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आशा भोसले खुद उन्होंने तुम्हारी चोटियां बनाई, और तुम्हारे लिए तो वो भगवान है, वो हम सबके लिए भगवान है। वो तो इतनी महान सिंगर है आशा जी और लता जी, कि वो तो हिंदुस्तान में कौन ऐसा होगा जो उनको भगवान नहीं मानेगा। हिंदुस्तान के जी म्यूजिक जी में एक नाम जो पिछले 60-70 साल से चले आ रहे हैं, दो नाम जब और हमेशा चलता रहेगा। चलते रहेंगे, तो वो तो वाकई बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अब देखो, अब मैं ये भी, अच्छा पहले तो हम तुम्हारे से गाना सुन लें, उसके बाद मैं अब हमारी जो गेस्ट हैं दूसरी उनको बुलाता हूँ। जी पहले जरूर, जी लोग जी गाना सुनने के जरूर, मूड में, तो एक गाना हो जाए पहले, ठीक है? जी। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से मुझे मेरा फेवरेट सुनाना चाहिए। ओके, कोई सा भी अपनी मर्जी से जो मूड हो आज वो सुनाओ। ओके। तो जो मैं गाना सुनाना चाहती हूँ, वो अपने आप में ही बहुत 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 ज्यादा आइकॉनिक गाना है। चित्रा जी ने उस गाने को गाया है अच्छा, क्या और बहुत ही फेवरेट गाना है मेरा, बात कहना ही क्या। है, ओ वाह, क्या बात है। जी, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी, और जितने भी दर्शक इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे होप करती हूँ कि आपको मेरा गाना अच्छा लगे, और छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, और जो भी है आप अपने सजेशंस मुझे दीजिएगा। जरूर देंगे लोग, आई एम श्योर दे विल ऑल एंजॉय। Thank you.
क्या बोलूं, इतना मुश्किल गाना गाती हो और इतना बढ़िया गाती हो, इतनी आसानी से गाती हो, इट्स अमेजिंग। भगवान की कृपा है। भगवान आप की सभी का आशीर्वाद है और जितने भी लोग देख रहे हैं, और आप सभी का आशीर्वाद है। आप सभी के कारण ही मैं यहाँ पर हूँ और अभी तक यहाँ पर आज यहाँ तक पहुंची हूँ, तो आप सभी के कारण ही पहुंची हूँ, आप सभी के सपोर्ट से ही पहुंची हूँ। और जितना भी थोड़ा बहुत सीखा है तो वो बस थोड़ा बहुत, जितना भी गा लेती हूँ थोड़ा बहुत। देखो, म्यूजिक में दो चीजें जरूरी हैं। म्यूजिक में अपनी मेहनत तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर, बिल्कुल और दूसरा भगवान का दिया जैसे बोला है वो भी बहुत जरूरी है। और अगर भगवान ने दिया और हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत सही बात है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को भगवान इतना अच्छा, इतने अच्छे से तराशते हैं और उसके बाद फिर लोग अपने ऊपर मेहनत नहीं करते हैं, तो वो बहुत बहुत ज्यादा उस चीज का बहुत बुरा लगता है। काफी सारे लोग मैंने भी देखे हैं जिनको इतना अच्छा गला भगवान ने दिया है पर कोई मेहनत नहीं करता है। मेरे हिसाब से ये चीज हर किसी को नहीं मिलती है, और दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ये गिफ्ट मिलता है भगवान का, और मेरे हिसाब से इसकी जितनी कद्र की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत अच्छी बोला, बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कद्र करना, और जो मिला है भगवान ने दिया उसको आगे बढ़ाना, उस पर मेहनत करना। तो देखिए, हमारे साथ मन सिमरन जी आ गई हैं। तो मन नमस्कार सिमरन नमस्कार, जी नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमलवीर जी। हेलो सौम्या, कैसे हैं आप? बहुत प्यारा मैं गा एकदम रही हैं अच्छी आप। हूँ, थैंक यू सो मच। आप बताइए आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका गाना सुन के, दिल बहुत खुश हुआ। बहुत ही प्यारा गाया आपने। थैंक यू बहुत प्यारा सो गाया, मच। देयर नो डाउट अबाउट दैट। मन जी सिमरन, हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने तो बहुत काम किया है, वॉइस ओवर कई एडवर्टाइजमेंट्स में की है, और कुछ किसी प्ले में भी काम किया आपने, कुछ सीरियल आई थी पंजाबी की है उसमें भी आपने काम किया है, और म्यूजिक का तो बहुत बड़ा रोल रहता है हर तरह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, चाहे बिल्कुल वो फिल्म हो चाहे वो सीरियल हो, तो उसमें म्यूजिक तो हमारे हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और अभी आजकल क्या है, कोरोना का टाइम है, बहुत सीरियस सिचुएशन है, इंडिया में तो काफी सीरियस है इस समय। हाँ जी। और अभी बॉम्बे में, आप तो बॉम्बे में रहती हैं, बॉम्बे में अभी क्या हालात हैं, किस तरह लॉकडाउन में किस तरह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये कुछ बताइए। देखिए ऐसा है कि अभी जो लॉकडाउन है, सुबह सुबह 7 से 11 बजे तक आपको अगर बाजार में कोई चीजें खरीदनी है तो आप जा सकते हैं। उसके बाद सारी दुकानें जो जो ग्रोसरीज की हैं, सब्जी पानी जो खरीदना है वो सब बंद हो जाती हैं, और जो बाकी सारे मॉल हैं वो सारे बंद हैं। शूटिंग भी अभी, जैसे आप कह लो कि अगर आप सोच रहे हो फिल्म शूट करोगे या आप कोई म्यूजिक रिकॉर्डिंग करोगे, वो सब अभी उतना नहीं हो रहा है। शूट तो कम्प्लीटली बंद है करंटली बॉम्बे में, क्योंकि नंबर्स इतने ऊपर जा चुके हैं। तो 15 मई तक तो जो एक्सटेंड हुआ है लॉकडाउन, उस हिसाब से ये सब ये लॉकडाउन में मोड में ही है। तो अभी अस्पतालों की क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमने सुना है बेड्स नहीं मिलते, ऑक्सीजन की बुरी कमी है, तो उसका कैसा है? देखिए हॉस्पिटल्स में भी ऐसा है कि वहां पे बेड्स अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन जो या जो नेसेसरी मेडिसिन चाहिए होती हैं उसकी शॉर्टेज है। सो काफी सारी एनजीओज वर्क कर रही हैं
उस चीज को सपोर्ट करने के लिए, बट जैसे कहते हैं काफी क्रिटिकल है सिचुएशन करंटली बॉम्बे में. हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए फिर और नॉर्मल लाइफ शुरू हो. लोगों की रोजी रोटी पे बहुत फर्क पड़ रहा है, तो लोग अपना, क्योंकि तो चलो जो बहुत पैसे जिन्होंने जोड़े हुए शायद वो कुछ साल और सरवाइव कर देंगे, पर जो गरीब है जो रोज की कमाता है खाता है उनको बहुत फर्क पड़ता है. तो बिल्कुल लेट्स होप दैट थिंग्स इम्प्रूव. एंड हम हमारे इंग्लैंड से भी काफी लोग मदद के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं भेजने के लिए. हाँ जी अमेरिका से भी हम, मेरे खुद के फ्रेंड हैं जो उन्होंने 16 मिलियन डॉलर्स कलेक्ट किए हैं, एंड ही इज माय हाँ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर. जी 16 मिलियन डॉलर्स जो है उन्होंने अभी इंडिया के लिए कलेक्ट किए. तो उम्मीद है इस तरह की फंडिंग्स लोग करते रहेंगे एंड इंडिया को मदद मिलेगी. और पर लोगों को अपनी ड्यूटी भी समझनी पड़ेगी कि हमें जो जो सारे स्टेप्स हैं मास्क के और वैक्सीन्स के, ये जरूर करने चाहिए. इसमें कोई बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, इसमें कोई रिलीजियस प्रेशर नहीं होना चाहिए. रिलीजन और पॉलिटिक्स इसमें कुछ नहीं कर सकेगी. इसमें जो मेडिकल एडवाइस है वही काम करे. तो मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है लोगों को कि मेडिकल एडवाइस ही माने, गाइडलाइंस माने. तो चलिए ये बातें हम आपसे और करेंगे. और सौम्या से आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछिए. अच्छा आप, सॉरी. आप हमें ये बताइए, अब हम बात कर रहे थे कि हार्डवर्क होता है और भगवान की कृपा होती है, तो आपने जी आपने ये जो अपना जो सिंगिंग है कौन सी एज से शुरू किया था? और हाँ जी हाँ, तो सबसे पहले तो बहुत लंबी स्टोरी है मेरी, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ. तो हाँ जी मुझे कभी पता नहीं चला था कि मैं गा सकती हूँ या फिर मुझ में पोटेंशियल है कि मैं और कुछ अच्छा कर सकती हूँ. ये चीज मेरे पापा मम्मा को सबसे पहले पता चली, और वो भी पापा को सबसे पहले पता चली थी. जब मैं 1.5 साल की थी तब मैं गाने बहुत ज्यादा सुनती थी. टेलीविजन पे जो गाने आते हैं मैं बहुत ज्यादा सुनती थी, दिन भर सुनती थी, डांस करती थी उन पर, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे. और जब भी कोई चैनल चेंज कर देता था तो मैं रोने लग जाती थी. बट ये चीज किसी को समझ में नहीं आई. पापा आते थे, वो चैनल चेंज कर देते थे, तो हमेशा मैं रोने लग जाती थी. उनको ऐसा लगता था कि क्यों रो रही है. पर एक बार पापा को एक गाना अच्छा लगा टेलीविजन पे, उन्होंने वो गाना लगा दिया. मैं रोते रोते एकदम चुप हो गई. तो ये चीज पापा को समझ में आई, और फिर पापा ने सबको बताया कि ये देखो ये गाने बहुत ज्यादा सुनती है. फिर जब मैं 2-3 साल की हुई तब मैं गानों की लिरिक्स बहुत अच्छे से सुनती थी, और जब कोई लिरिक्स पापा मम्मा को समझ में नहीं आती थी तो मैं उनको बता देती थी कि ये लिरिक्स है और ये ऐसा ऐसा गाना है. तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट करते थे. उसके बाद फिर जब मैं नर्सरी KG1 में थी तब स्कूल असेंबलीज होती है. स्कूल असेंबलीज में बच्चों को गाना गाना पड़ता है, तो टीचर ऑडिशन ले रही थी. फिर टीचर को मैं तो बहुत ज्यादा छुप छुप के रहने वाली बच्ची थी कि कुछ नहीं बोलना, पर मैंने जैसे तैसे हाथ खड़ा किया कि मैम मुझे भी गाना है. और मैम ने बोला कि अच्छा तुम भी गा के बताओ. मैंने वो गाना उनको गाकर बताया और उन्होंने सीधे मुझे एकदम मिडिल में खड़ा कर दिया, बोलते कि माइक के सामने तुम ही रहोगी. और ये चीज इस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी. मैंने वो गाना गाया. उसके बाद मैडम ने पापा मम्मा को बुलाया, डायरी में मुझे एक नोट दिया कि पेरेंट्स प्लीज प्लीज कम टू स्कूल, ऐसे करके लिखा. और पापा मम्मा बहुत ज्यादा घबरा गए कि बेटा तू किसी को मार के तो नहीं आई. उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा, क्योंकि मैं शुरू से बहुत ज्यादा शांत बच्ची थी और मैं किसी को कुछ नहीं करती थी. पर पापा मम्मा फिर भी वो डर गए कि तुमने कुछ किया बेटा, मुझसे बहुत प्यार से पूछने लगे. पर मैंने बोला नहीं मैंने कुछ नहीं किया है. और एक्चुअली रीजन मुझे भी नहीं पता था कि मैम ने ऐसा क्यों लिखा. फिर मम्मा पापा स्कूल गए और मैम ने मुझे डांटने की बजाय मम्मा पापा को डांटा कि आप इसको सिखाते क्यों नहीं है, ये इतना अच्छा गाती है. तो फिर पापा मम्मा को लगा कि हाँ ठीक है. उसके बाद जैसे कि विदिशा में हमें कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, क्योंकि छोटी सी जगह है और यहाँ पर
एक गुरु बहुत है, पर सिखाने वाला और ज्ञान देने वाला, ज्ञान बांटने वाला हर कोई नहीं होता है। तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई ढूंढने में। और मैं तो क्या ही बहुत छोटी थी, पापा ये सब करते रहते थे, पापा ने बहुत बिल्कुल मेहनत की शुरू से, और पापा ही सपोर्ट करते हैं उसके बाद। हाँ, तो नहीं, मैं कह थोड़े रहा था, टाइम हाँ जी कोई नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि ये स्टोरी हम फिर सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, इसको आगे जारी करेंगे, पर कुछ लोग सुनने के लिए आए हुए तो वो कहते हैं हमें कुछ सुनवाओ, तो अब कुछ और हो जाएगा ना, फिर स्टोरी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो जी जी कौन सा गाना है आप? अब जैसे कि आपको मैंने बताया था, मेरा लता जी और आशा जी से इतना ज्यादा मैं बहुत ज्यादा लगाव रखती हूँ और उनको अपना भगवान मानती हूँ, तो मेरे हिसाब से एक लता जी का गाना हो जाना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं इस गाने को, और मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, विच इज सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ क्या बात है, बिल्कुल पहले के गानों की तो बिल्कुल म्यूजिक ही हम क्या बात करें, बहुत ही कमाल म्यूजिक हुआ करता था। Thank you.
वाह 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 वाह, इस उम्र में इतना टिक के गाना, जो टिकाव होता है ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब आता है जाके टिकाव। शुरू में क्या होता है, चंचलता होती है बचपन में, पर टिकाव कहते हैं वो 30 साल की उम्र के बाद आता है। पर तुम्हारी तो उम्र अभी कुछ भी नहीं यार, तुम तो 30-35 साल वाला टिकाव लाके वैसे टिकाव से गा रही हो। नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने ये सच्ची बात बताई है, क्योंकि म्यूजिक में जो स्टेडीनेस आती है वो तो बहुत पर कमाल की सोच, ये सारी सोच की बात है। मैं तो यही बोलूंगी कि भगवान की कृपा है, उन्होंने इतना दिया उन्हीं को हमेशा धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी ने सिखाया है। मैं एक चीज बताऊ, हमारे जो आज के श्रोता हैं, मैं सारे नाम तो नहीं नोट कर पा रहा हूँ क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, पर एक दो नाम मैंने नोट किए हैं जो बहुत बहुत हाई क्वालिटी म्यूजिशियंस हैं। जी जी, सांवली दास जी यहाँ पे आई हुई हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन हिंदुस्तान के गाने वाली हैं, कलकत्ता से, तो वो सुन रही हैं। और उन्होंने आपको मेरा नमस्कार, और आई होप आपको मेरा गाना अच्छा लगे, और छोटी मोटी जो भी गलतियां हो तो आप मुझे प्लीज सजेशन दीजिएगा मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी सीख ही रही हूँ और जिंदगी भर सीखती रहूंगी। म्यूजिक तो बहुत बड़ा है और किसी ना किसी से गलतियां होती हैं, और मुझसे भी, मुझे पता है हुई है, पर मैं बस इतना है कि थोड़ा बहुत सीखती रहती हूँ सभी से, जितना भी मुझे मिलता है उतना मैं हर तरीके से ग्रहण करना चाहती हूँ। नहीं देखो, वो तो म्यूजिक में तो क्या होता है, सारी उम्र ही हम लोग सीखते हैं, कभी सीखना तो बंद होता नहीं है। मैं भी सीखता हूँ, अभी भी सीखता हूँ, तो वो तो जिसका वो सीखना बंद हो गया इसका मतलब उसको समझ नहीं है म्यूजिक के। जब तक समझ है म्यूजिक की, आप सीखोगे, आप कहोगे मैं मुझे कुछ नहीं आता, आगे बढ़ोगे, तो वो तो चलेगा सारी उम्र, वो कभी बंद नहीं होगा। तो वो तो ये सोच के बैठो कि सीखना ही सीखना है। अच्छा, म्यूजिक के अपनी जर्नी के बारे में कुछ और बताओ, कुछ एक्सपीरियंसेस अपने बताओ, और किस रियलिटी शो में गए हो और क्या किया है, क्या अचीव किया है?
दिल है हिंदुस्तानी में जैसे कि आप सभी जानते हैं उसमें मैं फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। दिल है हिंदुस्तानी की मैं सेकंड रनर अप रह चुकी हूँ और वहां पर भी काफी सारे बहुत ही जो लेजेंड्स होते हैं उन सभी के साथ मैंने गाना गाया है। कुमार शानू जी और सुनिधि चौहान जी और काफी सारे सिंगर, सुखविंदर सर और शान सर, मीका सिंह जी और रेखा मैम। रेखा मैम एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है पर वो हाँ गाना भी काफी अच्छा गाती है, जी, मतलब बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। बहुत और अच्छा मैंने है। उनके साथ भी एक गाना गाया था, एक कोशिश की थी और उन्होंने मेरे साथ गाना गाया था। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पे आके डांस करूंगी कि जब मैं गाना गाऊंगी तब तुम लिपसिंग करोगी और जब तुम गाना गाओगी तब मैं लिपसिंग करूंगी। मैंने बोला कि बिल्कुल, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या ही हो सकता है। और हम दोनों ने साथ में मन क्यों बहका गाया था और वो काफी ज्यादा लोगों ने सुना भी था। वाह, और उसके अलावा ऐसा काफी कुछ हुआ है, जैसे कुमार शानू दा ने मुझे हारमोनियम गिफ्ट किया है, अच्छा, प्रीतम दा ने मुझे एक मॉस्को से डॉल लाई थी और काफी कुछ मुझे वहां से मिला है, काफी कुछ सीखने को भी मिला है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने गाना गाया और ऐसे काफी सारे शोज में करती आई हूँ। मध्य प्रदेश का जो किशोर कुमार अवार्ड है वो भी मुझे मिला है, विमेन्स वाह अवार्ड भी मुझे मिला है और ऐसे कई वाह, सारे अवार्ड हैं। मैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश भी बन चुकी हूँ और नेशनल लेवल पे तो मैं जा ही चुकी हूँ। और दिल है हिंदुस्तानी एक ऐसा शो था जो सिर्फ नेशनली नहीं, वो पूरा इंटरनेशनल शो था क्योंकि उसमें जितने भी बाहर से फॉरेनर्स थे, हर जगह से, हर हर कंट्री से फॉरेनर्स आए थे और सब ने बॉलीवुड गाने गाए थे। और उन लोगों से मुझे काफी प्रेरणा मिली कि मैं कैसे और अच्छा गा सकती हूँ क्योंकि वो हमारे म्यूजिक से इतना प्यार करते हैं कि वो यहाँ तक आ गए और हमारा ही गाना गा रहे हैं। उनको तो हिंदी भी नहीं आती है तब भी, जी और मुझे लगा कि फिर मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ म्यूजिक के लिए क्योंकि म्यूजिक मेरे लिए बहुत कुछ कर चुका है, इतना अच्छा गला मुझे भगवान ने दिया है। तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं म्यूजिक के लिए कुछ करूँ और म्यूजिक को एक नई पहचान दूँ। वाह, और शुरू से मेरा यही सपना है, कोई भी मुझसे पूछता है कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, सभी को पता है कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है और सभी का जवाब ये होता है कि हाँ हमें एक प्लेबैक सिंगर बनना है। पर मेरा शुरू से एक ही सपना रहा है कि मैं अगर नाम करूँ तो ऐसा करूँ कि दुनिया खत्म होने तक वो नाम रहे और मैं कभी ना भुलाऊं लोगों को और लोग मुझे कभी ना भूले अपने गाने की दुनिया में और हमेशा याद रखें। कई बार ऐसा होता है कि सिंगर्स आते हैं फिर चले जाते हैं, उनको सब भूल जाते हैं, आज की दुनिया ऐसी है। पर मैं अपना एक ऐसा नाम बनाना चाहती हूँ कि जिसे लोग पूरी जिंदगी भर याद रखें। बहुत अच्छा, ये जो सोचा हुआ है ना, ये सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि जो भी करो लास्टिंग होना चाहिए, सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। दिल से करोगे तो जरूर होगा। इससे पहले कि हम मन सिमरन को फिर बुलाएं, मैं चाहता हूं कि आपने कुमार सानू का नाम लिया कि उनके साथ भी गाया, तो मैं कुछ कुमार सानू की कोई चीज सुनाना चाहता हूँ। जी, जरूर जरूर जरूर, मुझे बहुत पर मैं ज्यादा अच्छा गाऊंगा, मैं लगेगा। गा के तो नहीं सुना सकता, पर मैं अपनी वायलिन पे सुना दूं। जी जरूर जरूर, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और ये जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं उन सभी को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ सुनाएंगे हमें तो। ठीक है, तो कुमार सानू जी के लिए मैं एक वायलिन का छोटा सा पीस आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you.
बहुत थैंक यू बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा। थैंक यू। मतलब वॉयलिन बजाना सबसे टफ इंस्ट्रूमेंट होता है एक तो वॉयलिन, और किसी बहुत ही कम लोग होते हैं जो बजा पाते हैं, और आप बहुत, मैं क्या बोलूँ आपसे थैंक यू मैं बहुत सो मच। स्पीचलेस हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बस कोशिश, मैंने कहा ना, इस उम्र में भी सीख रहा। मैंने कभी फिल्मी गाने नहीं बजाए थे अपनी लाइफ में, जी क्लासिकल ही जी बजाता हूँ। मैं क्लासिकल ही बजाता हूँ आज तक, पर ये कोविड की वजह से बहुत मैंने फिल्मी बेहतर। गाने पहली बार बजाए ताकि आप लोगों को क्लासिकल एंटरटेन। करते हैं तो फिल्मी गाने कुछ नहीं होते क्लासिकल के सामने, तो क्लासिकल तो अपने आप में अपनी बहुत बड़ी चीज है। अपनी अपनी लाइन है, दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो दोनों में बराबर मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा बस कहूंगा। इतना और होता है कि क्लासिकल हम जब गाते हैं या फिर बजाते हैं किसी शो में, तो वो एक 1.5 घंटे का होता है, पर जो हम गाने गाते हैं वो 1-1.5 घंटे की चीज को हम शॉर्ट करके 3 या 4 मिनट में गाते हैं।
क्लासिकल और ये गाने में सिर्फ यही डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम हम लोग करते हैं, मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इसमें जब हम आर्टिस्ट किसी को भी बुलाते हैं तो इसका जो टारगेट होता है, इस प्रोग्राम का जो एम होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि हम आर्टिस्ट से गाने ही सुनते जाएं, आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में भी जाने। तो क्योंकि अभी बीच में एक कमेंट आया था कि इतनी देर में हमने 2 ही 3 गाने सुने हैं, तो ठीक है, पर हम स्वामिया के बारे में जानना भी तो चाहेंगे कि स्वामिया ने कैसे सीखा, क्योंकि हर चीज की एक जर्नी जो होती है वो हम यहाँ पे बताते हैं लोगों को, हर आर्टिस्ट की जर्नी। तो इसलिए चलिए ऐसा करते हैं जरूर, कि ऐसा है कि मैंने बताया भी था शुरू में कि मैं गाने तो सुनाऊंगी सुनाऊंगी, आपको एंटरटेन तो करूंगी, साथ में मैं अपनी लाइफ के बारे में भी आप सभी को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। जी बहुत जी स्ट्रगल्स भी हैं और अभी भी चल रहे हैं और वो तो हमेशा ही चलेंगे, और काफी कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या करने वाली हूँ और क्या हुआ है मेरे साथ। तो मेरे साथ बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको शॉर्ट में सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक गाना के बाद फिर एक कहानी सुनते हैं, हम साथ में जी मनसिमरन जरूर को भी बुलाएंगे तो वो भी कुछ सवाल करेंगे, ठीक है? तो एक जरूर गाना हो जाए जरूर। पहले। लता जी का गाना ही हम फिर से गाके देख लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे आइडल हैं और मैं चाहती थी कि मैं उन्हीं को थोड़ा सा बढ़ावा दूँ एक तरीके से, उनको काफी कुछ मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ उनके लिए, और बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ इनडायरेक्टली, वो ही मेरी गुरु है, तो बहुत ही आइकॉनिक और वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाना उनका जो हर किसी की जुबान पे होता है वो है लग जा गले, और वाह हर वाह कोई इस गाने वाह। को गाता है, पर मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि मैं काफी कुछ उस चीज को जैसा लता जी ने गाया है वैसा तो नहीं कर पाऊंगी, पर थोड़ा सा 1% उनके जैसा थोड़ा सा मैं करने की कोशिश रहेगी, और आई होप आप सभी को पसंद आए। बिल्कुल आएगा पसंद। जी लग जा
क्या बात है, इतनी सारी बारीकियां है इस गाने में, और वो सारी बारीकियां तो क्या बात है। नहीं, थोड़ा सा आधा परसेंट 1% कोशिश की है, वो उनके कुछ जैसा है तो तो कोई भी नहीं नहीं, निभा पाएगा, पर हल्की फुल्की सब कोशिश। सिंगर की अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो देखिए, शीला झा जी नॉर्वे में रहती हैं, बहुत बढ़िया सिंगर है। अभी वो भी आपके गाने की तारीफ कर रही हैं बहुत। और मैं बता दूं, हमारे बीच बहुत से लोग इस समय जो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बांगा हमारे यहाँ से, इंग्लैंड से हैं। सरोजनी भादुड़ी इंग्लैंड से हैं। एंड मान्या कौशल, प्रिंसेस, एंड अजय श्रीवास्तव जी, सुरेश सोनी जी, दलबीर नांदरा यहाँ से, एंड और देखिए मनीष भारद्वाज, सांवली दास जी मैंने बताया था। तो इस तरह बहुत से नाम है, मैं पूरे तो नहीं लिख पाया। दूसरी है सारा पीटर्स, एक इंग्लैंड से, ये देखिए उनकी आपको दिख रही है सामने, सारा पीटर्स, ये एक बहुत मशहूर जी, ओपरा सिंगर है यहाँ पे। ओ ओपरा बहुत ही डिफिकल्ट होता है, दैट्स और राइट, मतलब जो हम गाते हैं, बट ओपरा बहुत तो मोस्ट डिफिकल्ट जो बोल सकते हैं कि स्टाइल होता है सिंगिंग का, और हर जी कोई नहीं कर पाता है, हर हर कोई नहीं कर किसी के पाता। गले में ये चीज नहीं आ सकती है। और अगर आप लेकिन गाते हैं तो आप मुझे सिखा दीजिए जो भी है, क्योंकि मैं तो बस सीखना चाहती हूँ, जितना मुझसे हो सके उतना मैं सीखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल और जी, इनका कांटेक्ट नंबर आपको दूंगा, और आप लोग जरूर दीजिएगा। जरूर, तो मैं भी जितने भी मन लोग हैं सिमरन, सभी को मेरा फिर से नमस्ते, और आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ भी आपको मुझे सजेशन देना हो तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। और मन सिमरत कुछ पूछना चाहती हैं, आज कोई स्पेशल डे है तो कुछ कुछ बात करना चाहती हैं उस बारे में। आज की शाम बहुत खास है सौम्या, क्योंकि जी इन्होंने आपके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, जो आपको इंस्पायर करते आए हैं, आज उनका जन्मदिन है, राइट? आपके पापा का आज जन्मदिन है, जी, आप सही बोल रहे हैं। तो हमारी सारी टीम से, पल पल इंडिया टीम से, और हम सब से उनके लिए, उनको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी मैं उनसे बर्थडे। बोलूंगी, आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना विश किया है, और पापा भी सुन ही रहे हैं, और पापा को मैं भी आप सबकी तरफ से बोलती हूँ, विश करती हूँ। और काफी अच्छा लगा, और ये सही बात है, पापा ने ही मुझे सपोर्ट किया है और अभी भी करते आ रहे हैं। जितना मेरी मेहनत कुछ नहीं है, पापा के सामने मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है, मैं आपसे अभी भी बोलूंगी, मुझे इतनी दूर दूर ले जाना और इतना ज्यादा स्ट्रगल करना, गुरु ढूंढना, गुरु की तलाश करना, और बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, और ये पापा नहीं होते तो मेरे हिसाब से मैं नहीं कर पाती इतना कुछ, और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ पापा के लिए कि, और भगवान के लिए कि उन्होंने मुझे मतलब इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, और इससे ज्यादा मुझे क्या ही मिल सकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कपड़ों का भी मैं इतना नहीं बोलूंगी, कभी मुझे कपड़े ना मिले तो ठीक है, मैं खाना मुझे अगर टाइम टू टाइम भी ना मिले, दिन में एक आध बार मिले, ठीक है, कुछ भी मुझे जरूरत है, और मतलब ठीक है मुझे कुछ ना भी मिले, पर मुझे पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। पापा बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं शुरू से ही, और कपड़ों से लेकर हर चीज, अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए होती है, मुझे सबसे पहले तो कोई चीज पापा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, और पापा पहले ही सब कुछ लाके रख देते हैं, और फिर मैं पापा से क्या ही मांगू, और पापा ऐसे ही होते बहुत हैं।
पापा सारे जी ऐसे होते हैं। मुझे याद आया कि वो जो प्रोग्राम दिल है हिंदुस्तानी में भी आपके पापा आए थे। जी पापा वहीं रहते थे। और मैं आपको एक चीज बताऊंगी, बहुत ज्यादा वहां पर क्या होता था, मैं रिहर्सल्स पे जाती थी, मैं शूट के लिए जाती थी, तो वहां के लोग अलाउ नहीं करते थे पापा को मेरे साथ जाने के लिए, मुझे अकेले जाना पड़ता था। मैं सुबह 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 जाती थी, 5-6 बजे रात में आती थी, 8-10 बजे, और वहां थक के आके सो जाती थी, पापा से बात तक नहीं करती थी, और मुझे कहीं ना कहीं उस चीज का बहुत बुरा लगता था, पर मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी और पापा वहीं रहते थे एक रूम में बस। और हम अभी लॉकडाउन में जैसा फील कर रहे हैं वैसा पापा वो 6 महीने पूरा वैसा ही फील करते थे, एक ही कमरे में रहना, तो वो बहुत ज्यादा टफ होता था पापा के लिए। पर मन सिमरन ने कुछ एक क्लिप ढूंढी है, वीडियो क्लिप उस अरे प्रोग्राम की, तो हम चाहेंगे कि सब देख लें वो वीडियो क्लिप एक बार। जी जरूर 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 हाँ जी, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। मैंने सुना था कि स्ट्रीम बीच में रुक गई थी, लोग देख नहीं पा रहे थे। अभी मैं चेक कर रहा था, अभी स्ट्रीम ऑन है क्या? अभी वापस आ गई है यूट्यूब पे स्ट्रीम? जस्ट जी चेक कर, अभी ओके, देख। स्ट्रीम ऑन है क्या? ऑफ अभी ऑफ है एक्चुअली, है अभी तो। अभी स्ट्रीम मनोज है जी, बिल्कुल। हाँ अभी अरे मनोज जी, बिल्कुल जस्ट चेक वजह से कोई लिंक ब्रेक हुआ होगा, कोई नहीं, दोबारा चालू करते हैं अभी। बाबा, पानी देना मुझे ना। ओके, अच्छा वो तो कह रहे हैं वहां तो लाइव चल रहा है, मैं भी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए, लाइव चल रहा होगा, हम अपना आगे बढ़ाते रहते हैं प्रोग्राम को, तो उम्मीद है अभी सब जगह चल पड़ेगा। तो बहुत अच्छा था ये जो क्लिप हमने देखी, और इसमें बताया, इसमें क्लिप में हमने देखा कि सौम्या जो अपने पापा से कितना प्यार करती हैं, और एक्चुअली पापा मैं देख ही नहीं पाती ये क्लिप, ये बहुत ज्यादा मुझे एक तो रोना बहुत जल्दी आता है, और मैं ये क्लिप कभी आज तक मैंने इस क्लिप को देखा नहीं है, मैंने अपने एपिसोड्स देखे हैं बट सिर्फ ये क्लिप है जो मैं देख नहीं पाती हूँ, और अभी भी मैंने ट्राई किया बट मैंने फिर ईयरफोन हटा दिए क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता ये क्लिप, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए इस क्लिप को देखना, और मैंने आज तक इस क्लिप को नहीं देखा है। अब मैं पल पल के जितने सुनने वाले हैं और जितना स्टाफ है पल पल का, सभी की तरफ से आपके पापा को जन्मदिन की बधाई। और हाँ वो भी अगर सुन रहे हैं, और मैं पापा को फिर से बोल देती हूँ कि पल पल का जितना भी स्टाफ है वो सब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा है। जी अगर केक लाए हो घर पे, तो जो काटा हो तो मेरे लिए भी एक टुकड़ा रख लेना। जरूर हाँ और जरूर सिमरन के लिए भी। तो सिमरन, कुछ सवाल पूछना तो यू कैन आस्क सौम्या एनी क्वेश्चन। हाँ जी सौम्या, आप हमें ये बताइए कि आप कैसे मैनेज करती हैं स्कूल जाना, अभी तो ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन क्लासेस, और फिर रियाज आप कितने घंटे करती हैं दिन में, कैसे मैनेज करती हैं आप ये सब? ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ये सबके मन में इसलिए उठता है क्योंकि कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसी में अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं और उसके बाद उनको कुछ करने के लिए टाइम नहीं बचता है, और ऐसे ही लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि कैसे कैसे कर लेते हो। बट सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कभी टाइम हमें मिलेगा नहीं, हमें टाइम निकालना ही पड़ता है, और जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, मुझे अगर बाय चांस स्कूल भी जाना पड़ता था तो हम बहुत डिफिकल्ट होता था मैनेज करना, इवन मेरे जो समर वेकेशंस होते हैं उसमें भी हम लोग, अभी तो क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना टाइम है और ये पैंडेमिक है जिसके कारण अभी हम लोग ऑनलाइन ही सब कुछ कर रहे हैं, बट जब ऑनलाइन नहीं करते थे तो तब भी हम लोग सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे का ट्रेन पकड़ के हम लोग भोपाल जाते थे, वहां पर मैं सीखती थी, हम लोग
शाम तक आते थे, फिर उसके बाद मैं आके खाना खाती थी, अपना स्कूल का होमवर्क करती थी, स्कूल का होमवर्क मैं रात को करती थी, और उसके बाद फिर ये शेड्यूल होता था। और जब भी मैं स्कूल जाती थी तब भी ऐसा था कि मुझे सबसे पहले स्कूल से आती थी मैं, सुबह 6 बजे मुझे उठना पड़ता था। उससे पहले भी जैसे कभी रियाज हो जाए तो मुझे टाइम मिल जाए तो मैं रियाज भी करती थी सुबह 5 बजे उठ के। और उसके अलावा मैं वहां से 2 बजे आती थी, मैं तुरंत अपनी ड्रेस चेंज करके हम लोग ट्रेन से भोपाल निकलते थे, वहां से हम लोग रात को आते थे, और रात को हम लोग 12 बजे हम बच जाते थे कभी कभी। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि 3 साढ़े 3 बजे आ रहे हैं और उसके बाद नींद भी नहीं हो पा रही है और स्कूल चली जा रही हूँ मैं अगले दिन, और रात को अपना होमवर्क करके 2 2:30 बजे तक सोना, उसके बाद फिर से स्कूल कंटिन्यू करना। ये मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ और मुझे आदत भी लग चुकी है, और बस ऐसे ही मैं कंटिन्यू करती हूँ। और अभी भी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो अभी तो होपफुली समर वेकेशंस हैं तो मैं अपना पूरा टाइम म्यूजिक को दे रही हूँ, बट अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी मेरा स्कूल मुझे बहुत सपोर्ट करता है, साकिब एमजीएम मेरा स्कूल है और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो लोग। कभी भी मुझे कोई भी, अगर मुझे अर्जेंटली कोई लीव मांगनी होती है तो उसमें भी वो कभी मुझे मना नहीं करते हैं। और मेरे गुरु जी श्री आशुतोष पाठक सर, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो अभी भी मुझे सिखाते ही रहते हैं और इस टाइम पर भी मुझे ऑनलाइन कैसे भी करके मुझे कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और सबसे पहले तो क्लासेस जैसे होती हैं, उसके बाद सुबह मैंने लास्ट ईयर जब जब बहुत ज्यादा हमारे मन में डर था, तो उस मन को डर को शांत करने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठ के रियाज करती थी। पूरे लॉकडाउन मैंने सुबह 4 बजे उठ के रियाज किया है और पूरा दिन मेरा गाने में ही लगता था, मैं आपको सच सच बताऊंगी तो, क्योंकि मैं एक बार लग जाती हूँ गाने में तो मेरा मन बिल्कुल भी हटता नहीं है। मैं बस हमेशा इतना ही सोचती हूँ कि मैं और गाती रहूँ और गाती रहूँ और सुनती रहूँ। अभी भी ऐसा है कि अभी तो पढ़ाई करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि होपफुली मेरे 10th बोर्ड्स कैंसिल हुए हैं और अब मैं 10th 10th से पास आउट हो चुकी हूँ और 11th में आ गई हूँ, तो अभी मेरा दिन भर गाने को जाता है। मैं सुबह उठती हूँ, रियाज करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी जो भी हुआ, मैं योगा भी करती हूँ आजकल, योगा मैं सुबह करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, एक्सरसाइजेस करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है मेरी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, और मेरी लंग्स में काफी ज्यादा मुझे ताकत मिलती है जो कि एक सिंगर के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। उसके अलावा मैं बहुत कुछ करती हूँ, जैसे कि ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि खटाई खाने से ये होता है, खटाई खाने से वो होता है, ठंडा खाने से ये होता है, ऐसा नहीं है। ये चीज तो आशा जी ने भी मुझसे कही है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लोगों का अंधविश्वास है ऐसा, अगर सूट करे तो खाना चाहिए, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इतना तो नहीं करती हूँ, पर एक हेल्दी डाइट के साथ और अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ, शाम को या दोपहर में मैं फिर से अपना 1 1.5 घंटे का रियाज करती हूँ, उसके बाद मैं दिन भर गाने गाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ, कुछ ना कुछ गाती रहती हूँ, रिकॉर्डिंग्स करती हूँ अच्छा, मेरा एक और कुछ छोटा ना सा कुछ। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपके जो गुरुजी जी हैं अमिताभ, क्या बताया, आशुतोष, श्री आशुतोष पाठक सर, आशुतोष, इनके पिताजी दीपक पाठक जी से क्या? नहीं, उनके पिताजी दीपक पाठक जी नहीं अच्छा, है, श्री श्याम सुंदर पाठक जी हैं उनके अच्छा पिताजी, जो कि विदिशा में रामायण के लिए बहुत ज्यादा जाने अच्छा जाते अच्छा हैं और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है रामायण के लिए, उनको रामायण पूरी कंठस्थ है अच्छा और बहुत ठीक है कुछ बहुत ही जी। ज्ञानी है वो। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि विदिशा के एक बहुत बड़े लेजेंड सिंगर हुए हैं, गंगा जी, गंगा प्रसाद पाठक जी। प्रसाद पाठक जी, उनके कलहन्यास, उनको हम हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है एक मंच के थ्रू, और वहां पर हम जैसे कई सारे सिंगर्स हैं जो वहां पर गाते हैं, और क्लासिकल के लिए भी बहुत ही बड़े लेजेंड्स आते हैं वहां पर गाने के वो लिए, और हिंदुस्तान के मुझे बहुत बहुत माने हुए जी क्लासिकल बिल्कुल सिंगर थे, बिल्कुल और वो हमारे घर भोपाल में आके ठहरा करते थे। जब भी भोपाल रेडियो पे वो अरे अः अरे रिकॉर्डिंग करने आते थे या लाइव करने बहुत आते थे, बड़ा सौभाग्य है और उन्हीं के कहने पे मैंने जो जी वायलिन का स्टाइल चेंज किया था,
वायलिन, पहले मैं वायलिन से सीखता था, तो उन्होंने कहा था नहीं, वायलिन को अगर गले की तरह बजाना है तो सारंगी से सीखो। तो उन्होंने मुझे उस्ताद नजर हुसैन साहब से मिलवाया था कि इनसे सीखो, तो तब मैंने उनसे सीखा था, तो मेरे हाथ में गले वाला अंग आया बहुत अच्छी बात है, आपको था। इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तो अच्छा, चलो वो अब आपका दिखता भी है, वो चीज जब आप बजाते हैं तो वो चीज दिखती भी है और बहुत अच्छा लगता है सुन के। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आप हम लोगों श्रोताओं को आप क्या सुनाने वाली हैं? मैंने सोचा लता जी के गाने हो गए हैं तो मैं कुछ और सुनाती हूँ, थोड़ा सा नहीं पे शिफ्ट होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसके बाद आशा जी का भी गाना सुनाऊंगी, और अभी मैं आपको श्रेया घोषाल जी का गाना सुनाती वाह, हूँ। थोड़ा क्या बात है। सा जो अपना टोन है मैं उसे थोड़ा सा, हमेशा से मैंने चाहा कि मैं वर्सेटाइल सिंगर बनूं, और ये आशा जी की पहचान है कि वो वर्सेटाइल सिंगर है, हर टाइप के गाने वो गाती हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक वर्सेटाइल सिंगर बनूं, इसलिए श्रेया घोषाल जी का गाना है नगाड़े संग ढोल बाजे, सभी ने सुना है तो वो मैं गाना चाहती हूँ। जरूर। धड़ाक धड़ाक आ जा उड़ के सराट पैरों से भीड़ जरा खोल
नगाड़े संग ढोल बाजे ढोल बाजे, धाय 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 धम धाय, नगाड़े संग ढोल बाजे ढोल बाजे, धाय 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 धम धाय, नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय, नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। थैंक यू सो मच। क्या बात है, दैट्स ए वेरी डिफरेंट स्टाइल इज ना, बहुत डिफरेंट है ये बाकी। बिल्कुल क्योंकि मैंने देखा है कि जो अच्छा गाने वाले जितने भी बच्चे हैं न्यू जनरेशन के, भी वो अभी भी जो वो पुराने 60s 70s के लता आशा के जो गाने हैं उनको गाना पसंद करते हैं। तो उसका कारण यही है कि वो जो उन दिनों जो गाने बनते थे उसमें मेहनत बहुत होती थी, उसका म्यूजिक कंपोज बहुत अच्छा हम होता बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। था। बिल्कुल एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये होती थी कि इतने बड़े बड़े एक तो लेजेंड्स गा रहे हैं उन गानों को जो अब हमें सुनने को मिल रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य है सबसे पहली बात तो। उसके अलावा जो भी रिकॉर्डिंग हुआ करते थे तब, तो आजकल के गानों में सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, धुन पहले बन जाती है और उसमें लिरिक्स फिट कर दिए जाते हैं। पर पहले पहले लिरिक्स बना करते थे पहले, और बाद में उनके अकॉर्डिंग धुन बना करती थी, जो गाने की खासियत होती थी। म्यूजिशियन सामने हुआ करते थे और लाइव रिकॉर्डिंग सेशंस होते थे, तो जो बहुत ही ज्यादा जो बोल सकते हैं जो दर्शनीय चीज हुआ करती थी, जो बहुत बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी, और मेरे हिसाब से आज भी वही चीज हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है ये। वो जो मिलके बैठ के जो एक दूसरे को सुन के जो वो मूड बनता था, और वो जो नई नई चीजें दिमाग में आती थी, क्योंकि इंटरेक्शन होता है म्यूजिक, अगर कई म्यूजिशियन एक साथ बैठ के काम करेंगे तो नई नई चीजें आती हैं दिमाग में। अगर आप अकेले बैठ के, जैसे हम रियाज भी करते हैं घर पे, अकेले रियाज करते रहते हैं तो बहुत चीजें नई नई दिमाग में कम आती हैं। पर जैसे कोई तबले जरूर, वाला साथ आता है, तबले के साथ हम संगत किसी में से अगर हमें करवाते कोई हैं गाने एकदम। वाला भी मिलता है, साथ में अगर कोई हमारा साथी भी हमें मिलता है रियाज करते वक्त, सबसे पहली बात ज्यादा मन लगता है, ज्यादा मन लगता है गाने में। अगर जुगलबंदी होती है तो उसमें भी और ज्यादा मजा आता है। सामने वाले को क्या क्या उसे नॉलेज है वो हमें भी सीखने मिलता है, और हमारा नॉलेज उसके पास भी जाता है। मैंने हमेशा से यही, मेरे जो गुरुजी हैं आशुतोष पाठक सर, उनसे यही सीखा है कि ज्ञान अपने तक सीमित कभी नहीं रखना चाहिए। हम जितना ज्ञान बांट सकते हैं उतना कम है। अगर बहुत अच्छी भगवान ने बात। हमें कोई चीज दी है तो हमारा फर्ज बनता है हम उसे दुनिया में उस चीज को फैलाएं, और हम अच्छा कर रहे हैं तो दुनिया भी अच्छा करे, अच्छा और बस कभी, इतना ही सोचा है। या अब मैं ये पूछना चाहता था कि कभी कुछ खुद कंपोज भी किया है, कुछ कोई कोई पोइट्री लेके कंपोज की हो, या ऐसा कभी मौका मिला? नहीं, मैंने कभी कंपोज किया नहीं है, बस मैंने कंपोजिशन लोगों की गाई है। अच्छा, और अब कहते हैं ना वो आपको किसने, प्रीतम जी ने या शानू जी ने हारमोनियम प्रेजेंट किया था? शानुदा ने मुझे हारमोनियम दिया था, क्योंकि तो हारमोनियम है। जिस दिन जी वो अभी भी वो हारमोनियम यही रखा हुआ है इसी कमरे में बस होपफुली। और तो बस बस है ना, हाँ तो कविता हारमोनियम है तो अच्छी अच्छी कविताएं और पोइट्रीज जो भी अच्छी मिलती है लेके कभी ट्राई किया करो कंपोज करने की भी, जी, मैं उससे जरूर, आप सही उससे भी बोल रहे हैं, बड़ा मैं ट्राई करूंगी कभी। जी क्योंकि मैं करता रहता हूँ कंपोज, मैं हमेशा जी नई नई चीजें कंपोज करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मुल्क के एक बहुत ही बड़े पोएट हैं, थे लेजेंड पोएट, हरिवंश राय बच्चन जी, नाम सुना मैंने होगा। बहुत नाम सुना उनका, बहुत नाम सुना है, तो मैंने हरिवंश अभी राय बच्चन जी। अभी मैं कुछ नया प्रोजेक्ट सोच रहा हूं करने की,
कि उनकी जी और बाकी जो पोएट्स हैं हिंदुस्तान के, जो पुराने बहुत बड़े बड़े पोएट्स हो चुके हैं, अच्छा अच्छा उनकी कुछ हिंदी की पोएट्रीज। उर्दू की गजलें तो मैंने सारी उम्र कंपोज की हैं, मेरे पास अपनी खुद की हाँ 250-300 कंपोजिशन हो गई अब, पर अब मैं कुछ हिंदी की कंपोज, देखिए गिरीश कुमार बिल्लोरी जी यहाँ पे हैं, जिनकी वजह से आज सौम्या यहाँ है, जिन्होंने सौम्या को बुक आपको मेरा किया नमस्ते, थैंक यू मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये चाहता था कि वो अभी कल ही, कल मुझे एकदम ध्यान आया कि हरिवंश राय बच्चन जी की भी कुछ पोएट्री निकालें, तो मैंने इंटरनेट पे जाके एक ढूंढी और मैंने कोशिश की है अभी आज सुबह कि इसको मैं थोड़ा सा कंपोज करूं, तो अभी पूरी जी तरह अभी रॉ है, मुझे याद भी नहीं है, पर मैं उसके दो लाइनें सुनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक बिल्कुल बिल्कुल, मुझे है? बहुत अच्छा लगेगा, मेरा सौभाग्य है। पर उसमें गलतियां आएंगी क्योंकि अभी मुझे पोएट्री भी याद नहीं है, पर मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आवाज आ रही तबले की? ठीक लहरों से डर कर नैया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, लहरों से डर कर नहीं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से धड़कन नैया पार, लहरों से धड़कन नैया पार। थैंक यू। तो अभी बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा हाँ, सौभाग्य थैंक है यू, मुझे आपको सुनने को मिल रहा है, थैंक यू सो बहुत ज्यादा मच। अच्छा लगा मुझे। मतलब मुझे नहीं पता था इन पोइट्रीज को हम कंपोज भी कर सकते हैं, सुना बहुत है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सब बहुत सुना है, हम बोलने को बहुत बोल देते हैं, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इनका गाना भी बनाया जा सकता है, इनको कंपोज भी किया जा सकता है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत और बहुत शुक्रिया, आपसे मुझे थैंक एक नई प्रेरणा मिल रही है। यू सो मच, थैंक यू। मैं कोशिश, क्योंकि हर पोइट्री जो इतनी बढ़िया ये पोइट्रीज लिखी हुई हैं, और मुझे थोड़ा सा हैरानी होती है कि इनको कंपोज करके लोगों ने गाया नहीं है। जब मैंने कल पढ़नी शुरू की तो इनकी इतनी पोइट्रीज मैंने पढ़ी और मुझे इतनी बढ़िया लगी हैं कि, और नहीं इनकी पोइट्री, क्योंकि हिंदी की पोइट्री की कंपोजिशन थोड़ी अलग होनी चाहिए, उर्दू की गजलों की तो जी, मैं करता आया हूँ तो उसका स्टाइल अलग होता है, पर इसको हिंदी की तरह एक सोचना। और नई चीज पता चली है आपके बारे में कि आप गाना, तो मैंने मुझे शायद थोड़ा बहुत नॉलेज था कि आप गाते भी हैं, पर आप हारमोनियम भी प्ले करते हैं। बहुत अच्छा लगा हारमोनियम, तो सुनकर। हारमोनियम इज जस्ट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ एनी म्यूजिशियन, क्योंकि आप जब गाते हैं तो हारमोनियम बजाते हैं तो वो अपने आप वो जो सुरें नहीं, लगाते हैं आपके उंगलियां। म्यूजिक का नॉलेज देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा। यू आर एक्सलेंट, तुम्हारी जो मेहनत है, तुम्हारी जो नॉलेज है इस उम्र में वो बहुत अच्छी है। तो अब क्या है, वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो मैं चाहता हूं कि जाने से पहले एक चीज और सुना दो। ओके ओके, तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड और काफी जो इंडिया के बाहर जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो
बहुत से हैं। तो मैंने जैसे कि आपसे बोला मैं वर्सेटाइल बनना चाहती हूँ, तो आपको मैं दो चॉइसेस देती हूँ, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? अगर आप मुझे ट्रैक पे गवाना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत दिल से एक वेस्टर्न सॉन्ग भी तैयार किया था जो मैंने डाला भी था, और इंग्लिश सॉन्ग बेसिकली विच इज बिलीवर, जो काफी लोगों ने सुना भी था और पसंद भी किया था, और मुझे लगता है लोगों को अच्छा लगेगा। उसके अलावा आप अगर मुझसे आशा जी का सुनना चाहते हैं तो मैं आशा जी का भी सॉन्ग गाने की आपके सामने कोशिश पहले तो करूंगी, तो आप इंग्लिश मुझे वाला हो जाए, बताइए। मुझे लगता है पहले इंग्लिश बिल्कुल वाला हो जाए, फिर देखते हैं वक्त कैसा है। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये अलग से है, इस प्रोग्राम में अभी इंग्लिश सॉन्ग्स कम हुए हैं। जी। Thing first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one, I'm the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from my youngest, taking my soul into the master, writing up poems for the few. The look from me, check on me, shook on me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the vein, taking my lesson from the veins, seeing the beauty through the pain. You made me a, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer. Pain. Oh, let the bullets fly, but let them rain. My life, my love, my right, it came from pain. You made me a, you made me a believer, believer. Thought, think, thoughts, and a prayer to the ones up above. All the hate that you've had under his spirit up above. Ooh, your spirit up above. Ooh. I was choking in the ground, feeling my veins up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings did brown. But they never did, ever did, ebbing and flowing in a bitter limit, till they broke up in the rain down, it rained down like pain. You made me a, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer. Believer, pain. Oh, let the bullets fly. Oh, let them rain. My life, my love, my right, it came from pain. You made me a, you made me a believer, believer. Lasting, last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever did, ebbing and flowing in a bitter limit till they broke up in the rain down. It rained down like pain. You made me a, you made me a believer. Believer, pain. You break me down, you build me a believer. Believer, pain. Oh, let the bullets fly, oh, let them rain. My life, my love, my right, it came from pain. You made me a, you made me a believer. Believer. Thank you so much. क्या बात है, क्या बात है। मैं एक चीज बताऊं कि इस चैनल की एक खास बात यह है कि हमारे जो अभी मनोज जी हैं वो म्यूजिक को इतनी सपोर्ट करते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं। अभी अभी उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि प्रोग्राम इतना बढ़िया चल रहा है, 20 मिनट और चलने दो अभी। अरे हालांकि प्रोग्राम नॉर्मली 1.25 घंटे में हम खत्म कर देते हैं, तो कह रहे हैं नहीं अभी चलने दो, इतना बढ़िया चल रहा है। तो देखो वो मन सिमरन भी आई है, और क्योंकि हम मेरी जनरेशन जब हम इंडिया रहते थे, भोपाल में या दिल्ली जहां भी रहते थे,
हमारे टाइम पे हम लोग इंग्लिश गाने कम सुनते थे, होते कम थे उन दिनों, इंडिया में कम आते थे, पर मनसिमरत तो उस जनरेशन की है जिसमें सुनती आई होगी। तो मनसिमरत, हाउ डिड यू फील अबाउट दिस सॉन्ग, डिड यू लाइक इट? मैं ये कहूंगी कि सौम्या ने इंग्लिश गाना भी उतना ही प्यारा गाया जितना हिंदी गाया था। यही मैं कहना चाहता ये जो आप गा रहे हो इसको और एक्सप्लोर कीजिए और आप और लैंग्वेजेस में भी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगा। था। मैं एक्चुअली मेरा मैं हमेशा से ट्राई करती हूँ कि मैं हर लैंग्वेज में गा पाऊँ, और मैंने काफी सारे लैंग्वेजेस में ट्राई भी किया है। जैसे ए आर रहमान जी की कॉम्पोजिशंस, हाँ जी वो साउथ इंडियन होती है, मलयालम, कई तेलुगु और तमिल, तो वो भी मैं ट्राई करती हूँ। इवन मराठी भी मैं थोड़ा गाती हूँ, बंगाली भी मैं ट्राई करती हूँ। तो ये सारे लैंग्वेजेस, गुजराती हुआ, ये सब मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करती रहती हूँ कि मैं ये सब गा पाऊँ। और मैं हर जगह से, हर साइड से मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि म्यूजिक कितना वास्ट है। और बस मैं गाना चाहती हूँ, क्योंकि बस थोड़ा सा मुझे म्यूजिक को एक मुकाम देना है, मैंने आपको जैसा बोला, तो वाह, मैं बस उसी चीज की कोशिश में लगी रहती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्सलेंट। कितने, अब थैंक देखो, यू। म्यूजिक म्यूजिशियन जो है उसको हर चीज, हर तरफ का एंगल सोचना चाहिए। जब मैं इंग्लैंड आया था, वहां से 40 साल पहले आया था मैं, और मैं यही समझा करता था कि जो हमारा इंडियन म्यूजिक है सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, बाकी जो म्यूजिक है वो कुछ भी नहीं है। पर जब मैं यहाँ आया, धीरे धीरे इवन यहाँ का मुझे भी म्यूजिक, थोड़े टाइम पहले तक यही लगता था। तो जब मैंने सुनना शुरू किया इन लोग का म्यूजिक, तो फिर मुझे अपनी जो गलत विचार थे मेरे, वो निकले दिमाग से मैं कि आपको सच बताऊंगी, म्यूजिक इतना वास्ट है कि जितना सुने उतना कम है। और मैं जहां भी सुनती हूँ, अगर मैं उर्दू भी कोई गजल सुनी, ये भी बहुत अच्छा है, कव्वाली सुनी, ये भी बहुत अच्छा है, कोई पंजाबी फोक सुना, ये भी अच्छा है, राजस्थानी, वेस्टर्न, सब कुछ। मतलब अगर आप कुछ भी सुनेंगे, और हर टाइप का म्यूजिक, हर लैंग्वेज का म्यूजिक, हर स्टाइल का म्यूजिक इज सो गुड दैट वी कांट इवन इमेजिन कि म्यूजिक कितना वास्ट है। और बहुत ज्यादा हमें सीखने को अभी मिल रहा है और ये सब सुनने को मिल रहा है, ये तो हमारा सौभाग्य है, हम इतना कुछ सीख पा रहे हैं। बस इतना है कि मेरे अंदर जो भूख है और जो मैं म्यूजिक करना चाहती हूँ, जो चाहा है, वही मुझे इतना कुछ करवा लेती है। और भगवान की कृपा से इतना सब मुझे दिया है, तो मैं उन्हीं को थैंक यू बोलूंगी। बहुत अच्छी बात। तो वो आशा भोसले का कुछ सुनाने वाली थी, वो भी हो ही जाए तो। आशा जी का मैं एक्चुअली विदाउट ट्रैक सुनाऊंगी, क्योंकि मोस्टली हमें ऐसा होता है कि गानों की एकदम परफेक्ट जैसे हम चाहते हैं वैसे ट्रैक्स नहीं मिल पाते, तो मैं आओ हुजूरी सुनाना चाहूंगी। क्या बात है। आओ हुजूर, क्योंकि आशा जी को भी वो गाना काफी पसंद आया था, तो मैं थोड़ी सी कोशिश आओ हुजूर की करती हूँ। जरूर। एक्चुअली मैं तानपुरा चालू कर लूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे थोड़ा जरूर सा मुझे जरूर, सपोर्ट भी मिल जाएगा, वही मैं कहने है वाला ना, था थोड़ा कि तो उस पे सुर सा भी खाली कायम खाली रहेगी। लगेगा, नहीं तो क्या जस्ट रहे, बिल्कुल अभी ठीक है ना मेरे हिसाब से। बिल्कुल। देखिए,
अरे वाह वाह वाह, क्या बात है! छोटी छोटी वो भुड़कियां ताने जो ली हैं, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है ना। कितना देखो, इस उम्र में हर एस्पेक्ट है इसकी आवाज में। मैं तो वो छोटी छोटी जो ताने ली थी ना, वो कितनी साफ थी वो ताने। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है! तो यही जो वर्सिलिटी होती है म्यूजिक में, ये जरूरी है। हर तरह का गाना गाना चाहिए। और मैं ये नोट कर रहा था, मैं खासकर सुन रहा था जो इसमें उर्दू के वर्ड्स हैं, वो कैसे प्रोनाउंस करोगे, क्योंकि बहुत से लोग उर्दू के वर्ड्स जहाँ आते हैं वो थोड़ा सा एक्सेंट गड़बड़ करते हैं। एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूंगी, बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बट जो उर्दू के तो वर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें ख्याल बोलते हैं, ख्याल नहीं बोलते हैं हम, ख्याल बोलते हैं, जो नुक्ता लगते हैं जिन वर्ड्स में, और काफी सारे गैरत गैरत, ये ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं और जो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। फिर फिर लोग होता फिर है बोल देते हैं। एक्चुअली, हाँ, फिर बोलते हैं, फूल, और फूल फूल बोलते हैं लोग, दैट्स फूल राइट, बोलते हैं उसकी जगह। आई नो। और मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा सोचा समझा है, और इस चीज पर मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ली है, और प्रोनाउंसिएशन इसलिए मेरे काफी हद तक मतलब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, और पापा भी काफी हेल्प करते हैं मेरी प्रोनाउंसिएशन में, और ये जहाँ बहुत तक है जरूरी मैं है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। ये बहुत बहुत, जरूरी सबसे है। ज्यादा इम्पोर्टेंट या सिंगिंग में प्रोनाउंसिएशन होता है। अगर बहुत जरूरी। आपने, जैसे हम फूल बोलते हैं, अगर हमने फूल बोल दिया तो उसकी जगह तो वो अप्रैल फूल वाला फूल हो जाएगा, वर्ड का जाएगा, मीनिंग ही चेंज हो बेवकूफ जाता है। हो जाएगा भाई। सही बात है। बहुत से वर्ड्स हैं उर्दू के जो बहुत से लोग जो उनको ठीक नहीं बोलते हैं, और गाते हैं, अच्छा गाते हैं, पर वो जहां पे वो वर्ड गलत हो गया तो फिर वो उसका मजा ही खत्म हो जाता है। तो चलो, दैट्स गुड। सो हमारे सर पास जी, अभी, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। जब मैंने बोला था हमारे ये लाइव शो के बारे में,
तब एक पंजाबी 365 करके एक फेसबुक पेज है, चैनल है, जिन्होंने भी हमारे शो का बहुत प्रमोशन किया था और काफी दर्शक वहां से भी जुड़े हैं हमारे, और उन्होंने उन्होंने उनके पेज पर मेरा एक गाना डाला था जो है रमता जोगी, जो मैंने सुखविंदर सर जी के साथ गाया था दिल है हिंदुस्तानी पर ही, और आज उसको 70 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस चीज का धन्यवाद करना चाहूंगी सभी को कि उस गाने को इतना सुना और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, और मैं आप सभी को ये ऐसे गाने सुनाती रहूंगी और आप सभी को जरूर, एंटरटेन करती रहूंगी, और क्या मेरे बात है, मैंने मुझसे जितना हो पाएगा मैं करती रहूंगी। बहुत कर रही हो, इतना कर रही हो कि ये इस उम्र में अगर इतना करती हो ना, तो इसका मतलब ये कि बर्निंग डिजायर है अंदर कि मैं इसको, म्यूजिक को छोड़ना नहीं है, जो मिलेगा लेना है। म्यूजिक सब कर लेते हैं, बट सबसे पहले बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ने ऐसा बोला है जो म्यूजिक समझ चुके हैं, बारीकियां जो जानते हैं, उन्होंने ही ऐसा बोला है कि म्यूजिक से पहले इंसान का दिमाग दिल सब साफ होना चाहिए सबसे पहले, तो तभी वो म्यूजिक को अपने अंदर ढाल सकेगा। म्यूजिक सब सोचते हैं, मैं बोलती हूँ कि म्यूजिक आसान है, कर सकते हैं लोग, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, पर जो लोग सोचते हैं कि म्यूजिक बहुत ज्यादा इजी है ऐसा भी नहीं है, म्यूजिक बहुत वास्ट है, करने वालों के म्यूजिक लिए इजी है और नहीं करने म्यूजिक वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। म्यूजिक जो है दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, ये मैं बोल सकता हूँ। आज मैं 50 साल से म्यूजिक कर रहा हूँ और मुझे पता है कि इससे मुश्किल चीज नहीं है, एंड ये कभी खत्म नहीं होता है। हर चीज इंसान कभी खत्म नहीं होता है, ये और कभी हमें खत्म नहीं तो होता। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि काफी कुछ तो हमें म्यूजिक के बारे में अभी तक नहीं पता है, हम जितनी भी आम जनता है हमको बहुत कुछ अभी म्यूजिक के बारे में पता ही नहीं है, कुछ बारीकियां घरानों तक ही सीमित रह चुकी हैं, और अब धीरे धीरे वो चीजें पता चल रही हैं, तो जैसे जैसे पता चल रही हैं हम उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और काफी सारे जितने भी लोग म्यूजिक को बाहर ला रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर वो लोग बाहर नहीं लाते तो वो चीज घरानों तक ही सीमित रह जाती। और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो रेडियो और टेलीविजन इंडस्ट्री पे और यूट्यूब और ये जरूर सोशल मीडिया पे जाता है, क्योंकि पहले क्या था, म्यूजिक पॉकेट्स में होता था ना, कि एक मेरे आर्टिस्ट हिसाब से की, हम सभी ने भातखंडे जी की किताबें भी पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। हाँ उन्होंने ही घरानों से म्यूजिक बाहर लाया है, और एक तरीके से म्यूजिक को हम बहुत ज्यादा उनको भी बोल सकते हैं कि वो बहुत बहुत बड़ी जो जो बोल सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े राज जो म्यूजिक के बारे में हम अब जान पाए हैं वो उन्हीं ने खोले हैं, और इसलिए हम आज म्यूजिक हम सब सीख रहे हैं, म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक के बारे में हम इतना पता लगा पाए हैं, और अगर क्लासिकल नहीं होता तो मेरे हिसाब से जो फिल्मी गाने बनते हैं वो भी नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। तो जाने से पहले हम एक चीज और सुनेंगे, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करेंगे। जी जरूर। एक तो सिंगर के लिए कोई गाना चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, अगर सिंगर के पास कलेक्शन बहुत है, एक्चुअली मेरे पास कलेक्शन है गानों का, और उसमें से चूज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं क्या गाऊं क्या ना गाऊं, फिर भी देखो, मैं मैं कलेक्शन की बात की है ना, एक सेकंड जरा रुकना। जी जरूर। ये जो दो डायरियां हैं भरी हुई हैं मेरे पास, ठीक है, जी, इसमें अब दोनों को मिला के कोई 700 कंपोजिशंस हैं अरे इसमें, उसमें से कम 250-300 मेरी हैं। तो इसलिए ये जो बात की ना, मुश्किल हो जाता कौन सी चुने कौन सी गाएं, तो मेरे साथ ये भी होता है, है, जिनके और पास बहुत है ही बड़ी 15 बात हो है तो वो 15 आपने सुना लेंगे। इतना कुछ लिखा है, बहुत बड़ी बात है। काफी लोग तो ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम तो ठीक है, हम तो ऐसे याद कर लेंगे, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पर म्यूजिक हम जब किसी गाने की लिरिक्स लिखते हैं, हम लिरिक्स को लिखते हैं उसे पढ़ते हैं, तो उस गाने का मतलब हमें समझ में आता है, जिससे हम गाने को और ज्यादा अच्छे तरीके से गा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो कौन मैं सा गाना आपको आप गाना लास्ट में सुनाना चाहते गाना सुनाना चाहती हूँ, हैं?
विदाउट कैरियोके चलेगा ना अभी, क्योंकि एनीथिंग, मैंने ओके जिस तरह भी अपने हिसाब से जैसा भी। ओके कौन सा गाना मैं गा सकती हूँ? मैंने ऑलमोस्ट सभी सिंगर्स से सुना दिए हैं। मैं आपको एक हल्का सा पंजाबी टच दे के कुछ सुना दूं। क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। जरूर समझावा उसमें। ओ वाह वाह वाह, है हाँ हाँ काफी ना। अच्छा गाना है और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। ठीक है। मैं तेन समझावा की नगरे बिन लग राजी, तुकी जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यू जान मेरी, मैं तेनू समझावा ना तेरे बिन लग राजी, मेरे दिल सुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तुरे तो तुर सौम्या, जाने का तो मन नहीं है पर वक्त तो हमें देखना पड़ता है। इतना बढ़िया गाया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की और इतनी अच्छी बातें बताई हैं, और तो मैं तो यही कहूंगा कि हम फिर से कभी बुलाना चाहेंगे तो आओगी? मैं जरूर आऊंगी, आप जब भी बुलाएंगे मैं बिल्कुल थैंक आऊंगी। यू बहुत अच्छा वेरी मच, लगा मुझे आप थैंक सभी से यू, थैंक मुलाकात हुई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यू वेरी मच। और सबसे धन्यवाद। ज्यादा मन सिमरन भी आई है आज, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, और थैंक ऐसा यू आने के अभी लिए, सबका शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। मनोज जी का जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, गिरीश बिल्लोरे जी का शुक्रिया, और पल पल के सभी स्टाफ जो बैकग्राउंड में काम करते सभी हैं, को मेरा बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और कोई लास्ट मैसेज छोटा सा कोरोना के ऊपर देना चाहो तो छोटा सा मैसेज, इसके बाद हम बाय करेंगे। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हम इस लॉकडाउन को एंजॉय करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने अपना पूरा टाइम म्यूजिक को दिया। आपका जो भी पैशन है, आप जो भी करना चाहते हैं, आपकी शुरू से कुछ भी करने की इच्छा रही हो उसमें आप पूरी जान लगा दीजिए, हो सकता है आपको कोई ना कोई मुकाम मिल जाए। मैंने इस चीज का फायदा ऐसे उठाया है कि मैं काफी सारे गाने अभी डाल रही हूँ और डालती भी रहूंगी, और अपने रिकॉर्डिंग्स करती रहती हूँ। जितना मुझसे रियाज हो पाता है, जितना मैं गाने सुन पाती हूँ, जितना और एक्सप्लोर कर पाती हूँ उतना मैं करती हूँ। इस लॉकडाउन को हम इंजॉय करें तो बहुत अच्छा होगा, और प्रिकॉशंस लें और बाहर कम से कम निकले, जितनी जरूरत हो तभी निकले। और जो भी परेशान है, मैं समझ सकती हूँ सबकी परेशानी, पर मेरे हिसाब से टेंशन लेकर भी कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा यही होगा कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें और जितना हो सकता है उतना खुश होकर और खुल के जिए। थैंक यू, दैट्स वेरी नाइस मैसेज। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, अपने फादर को भी, मदर को भी, सबको हमारा धन्यवाद बोलिए जिन्होंने सारा ये ऑर्गेनाइज किया है, और उनको जन्मदिन की एक जरूर बार फिर से बधाई। और इसी जी। के साथ मेरा नमस्कार, और अगले नमस्ते। हफ्ते फिर मिलेंगे सबसे। ओके जी, बाय। लोकल टू ग्लोबल खबरों के लिए लॉग इन करें पलपल इंडिया .com।